मेरे आंगन बरात लेके साजन तू जिस रात आएगा। मुमताज। 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा जगत का वो नाम जिसे हर कोई प्यार करता था। वो खूबसूरत अदाकारा जिनकी स्माइल और जिनके लुक्स के लोग आज भी दीवाने हैं, जिन्होंने कई सालों तक बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, सिखला दो ना। जी हाँ दोस्तों, अभिनेत्री मुमताज, जिनसे शादी करने का ख्वाब कई स्टार्स देखते थे और जिनकी शादी से कईयों के दिल टूटकर चकनाचूर हो गए थे। हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत कम ही नाम हुए हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर की और फिर बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। अच्छा? सबको मालूम है और सबको। ऐसा करने वालों में मुमताज सबसे पहली और सबसे प्रमुख अभिनेत्री रही। मुमताज का जन्म भारत को आजादी मिलने से महज 16 दिन पहले यानी 31 जुलाई सन 1947 को मुंबई में हुआ था। आज मौसम बड़ा बेईमान है। इनके पिता अब्दुल समीद अस्करी और माँ सरदार बेगम हबीब आगा ईरानी मूल के थे और सालों पहले बॉम्बे आकर बस गए थे। बॉम्बे में इनकी माँ फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल किया करती थी। वक्त गुजरा तो मुमताज की बहन मलिका भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गईं और उस दौर की बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगीं। इसी बीच अचानक इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और मुमताज अपनी माँ के साथ ही रहीं। परिवार पर आर्थिक मुसीबतें टूट पड़ी। उन हालातों में नन्ही मुमताज को भी फिल्मों में काम करना पड़ा। और सन 1952 में रिलीज हुई संस्कार में मुमताज पहली दफ़ा बाल कलाकार के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर दिखी। इसके बाद यास्मीन, लाजवंती और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में भी ये नज़र आईं। इसी दौरान अभिनेत्री मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने मुमताज को लीड रोल में लेकर पठान नाम की एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। फिल्म की शूटिंग शुरू भी हुई थी लेकिन बाद में ये फिल्म बंद हो गई। इसके बाद कुछ और फिल्मों में इन्होंने साइड कैरेक्टर्स निभाए लेकिन फिर 60 के दशक के मध्य में कुछ ऐसा हुआ कि मुमताज की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। महान रेसलर और अभिनेता दारा सिंह 60 के दशक के मध्य में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। वो कई बी ग्रेड फिल्मों जिन्हें उस जमाने में स्टंट फिल्म कहा जाता था एज ए हीरो वो काम कर रहे थे। लेकिन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के सामने परेशानी ये आ गई कि उस जमाने में कोई भी एक्ट्रेस दारा सिंह की हीरोइन बनने को तैयार नहीं थी। ऐसे में स्टंट फिल्म के एक डायरेक्टर ने दारा सिंह से कहा कि क्यों ना मुमताज को आपकी हीरोइन बना लिया जाए। खिजा के फूल पे आती कभी। दारा सिंह ने कहा कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी हीरोइन कौन है, उन्हें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना है। फिर शुरू हुआ दारा सिंह और मुमताज के साथ काम करने का सिलसिला। सन 1964 से लेकर सन 1968 तक मुमताज ने दारा सिंह के साथ 16 फिल्मों में काम किया और इनमें से 10 फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। इसी दौरान मुमताज कुछ ए ग्रेड फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी करते जा रही थीं, मगर उनका बॉलीवुड पर
एक छत्र राज स्थापित होना शुरू हुआ साल 1969 से, जब इन्हें फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना के ऑपोजिट कास्ट किया गया। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। दो रास्ते सुपरहिट साबित हुई। इसी साल राजेश खन्ना के साथ मुमताज बंधन नाम की एक और फिल्म में नजर आई और ये फिल्म भी जबरदस्त कामयाब रही। नजरों में उसकी गिराएंगे नहीं, अरे समझे, जाना है तो जाओ, मनाएंगे। इसी फिल्म के बाद मुमताज बॉलीवुड की टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई और इन दोनों की लगभग हर फिल्म कामयाब रही। दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। कह दो, तुम भी कह दो, प्यार तो कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की। और देखते ही देखते मुमताज ने अपने जमाने की हर बड़ी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया। वो फिल्में जिनमें मुमताज छोटे से रोल में नजर आती थीं, उनमें भी वो फिल्म की मेन हीरोइन पर भारी पड़ती थीं और मुमताज की चमक के सामने किसी भी दूसरी हीरोइन का काम नहीं चमकता था। दुनिया में प्यार की सबको जरूरत है। अपने 16 साल के फिल्मी करियर में इन्होंने लगभग 100 फिल्मों में काम किया था। इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ मुमताज ने काम किया। इस दौरान फिल्म खिलौना के लिए इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीता। ओ खिलौना जान कर। बंगाल फिल्म जर्नल अवार्ड ने इन्हें ब्रह्मचारी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा था। आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है। फिल्म फेयर ने ही इनको 1996 में फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर भी इन्हें सम्मानित किया गया था। दूसरी तरफ आईफा ने भी इन्हें 2008 में अनोररी अवार्ड से सम्मानित किया था। मुमताज की खूबसूरती का आलम ये था कि विदेशी मीडिया भी उन्हें एशियन मर्लिन मुनरो कहता था। मुमताज के दौर के कई बड़े स्टार्स उनसे शादी करना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम था शम्मी कपूर का। शम्मी कपूर से शादी करने को तो मुमताज भी तैयार थी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है। लेकिन शम्मी कपूर ने मुमताज के सामने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, तो मुमताज ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। साल 1974 में मुमताज ने लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन मयूर वाधवानी से शादी कर ली। इसके बाद साल 1976 तक मुमताज ने अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी की और फिर अपने पति मयूर वाधवानी के साथ मुमताज लंदन शिफ्ट हो गईं। मुमताज की दो बेटियां हैं, नताशा और तानिया। इनकी बेटी नताशा की शादी इनके को-स्टार और एक दौर में इनके लव इंटरेस्ट कहे जाने वाले फिरोज़ खान के बेटे एक्टर फरदीन खान से हुई, जबकि इनकी बेटी तानिया की शादी एक ब्रिटिश से हुई। यहाँ एक रोचक बात और है जो आपको बताते चले दोस्तों। दरअसल मुमताज जिन दिनों दारा सिंह के साथ एक के बाद एक फिल्में करती जा रही थीं, तो उन दिनों मीडिया में खबरें चली कि मुमताज और दारा सिंह का अफेयर है। मुमताज ने खुद भी ऐसा इशारा दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुमताज और दारा सिंह एक नहीं हो सके। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मुमताज की बड़ी बहन मलिका ने दारा सिंह के छोटे भाई रंधवा से शादी कर ली
और आखिरकार मुमताज़ और दारा सिंह के बीच रिश्तेदारी हो ही गई। साल 1990 में मुमताज़ ने फिल्म आंधिया के ज़रिए बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और मुमताज़ की दूसरी पारी शुरू होते ही ख़त्म भी हो गई। मुमताज़ अब 74 साल की हो चुकी हैं दोस्तों, और अपने परिवार के साथ लंदन में रहती हैं। सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर करियर शुरू करने वाली मुमताज़ ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना वो मुकाम बनाया जिसका ख्वाब हर एक्ट्रेस देखती है। मुमताज़ की जगह लेने वाली कोई और एक्ट्रेस बॉलीवुड में कभी नहीं आई।